अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, और आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए हो गया है दोपहर का टाइम, तो मैं सोच रही थी आज क्या बनाऊँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मसूर की दाल की खिचड़ी। तो यहाँ पर मैंने खिचड़ी तो बघार दी हूँ, और खिचड़ी के साथ तो खाई जाती है चटनी ही। तो मैं यहाँ पर पुदीना, कोतमीर और एक कैरी और लहसुन और हरी मिर्ची, अब मैं बनाने जा रही हूँ उसकी चटनी। तो देखिए मैंने खिचड़ी बघार दी और अभी चटनी पीसने के लिए, तो मैं अभी बस चटनी पीस लेती हूँ। और इसके अंदर डालना है नमक, अपने हिसाब से नमक डालिए, और उसके बाद में इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालकर इसको पीस लेना है, क्योंकि ठंडा पानी डाल के अगर पीसेंगे ना तो इसका कलर बस हरा ही रहेगा और अच्छा भी दिखेगा। तो यहाँ पर अभी मैं डाल देती हूँ नमक थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नमक नहीं डालना है, अगर ज़्यादा खारी चटनी होगी तो खाई नहीं जाएंगी। रोज़ रोज़ मसाले वाला वगैरह खा खा के भी इंसान बोर हो जाता, तो किसी दिन सादा भी खाना खाना चाहिए। तो आज हम लोग ने यही सोचे थे सुबह में कि आज कुछ ज़्यादा मसाला नहीं निकालेंगे, आज बस सादी सिंपल खिचड़ी खाएंगे और चटनी। तो यहाँ पर मैं चटनी पीस लेती हूँ और अभी डालती हूँ पहले तो इसके अंदर ठंडा पानी। नहीं बनाने को समझ में नहीं आ तो देखिए ठंडा पानी तो था नहीं फ्रीज में, मैंने रखी, शायद भूल गई फ्रीज में रखना। तो यहाँ पर मैं ठंडा पानी नहीं, इसके वास्ते बर्फ के दो चार टुकड़े डालकर इसको पीस लेती हूँ। तो देखिए चटनी हो गई है रेडी, और अभी मैं बनाने जा रही हूँ जो कुरवडी हम लोग ने बनाए थे। तो मैं आप लोगों को जब फ्राई करते इसको तो वो नहीं बताई थी, बनाने के बाद तो बताई थी। तो देखिए इसको फ्राई करने के बाद कैसी होती है। यहाँ पर तेल गरम पे रख दी, और अभी बस दाल, ये खिचड़ी चटनी, और ये खाने के लिए बहुत अच्छा लगता। तो पहले देखती हूँ मैं, तेल अच्छी तरीके से गरम होना चाहिए, तो अभी फ़िलहाल मेरा तेल गरम नहीं हुआ है इसलिए। तो बनाने में भी बहुत मेहनत लगी इसको, और धूप थी इसलिए ये सूख गए अच्छे से। तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा डाल के फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया अच्छे से, देखिए किस तरह से फ्राई। तो देखिए यहाँ पर हो गई है कुरडई फ्राई करके, तो ये इस तरह से फूल जाती, मैंने तो इतना सी ली थी और ये अच्छे से फूल गई। मीटू को भी लगता बहुत ज्यादा पसंद आई। तो देखिए मीटू भी कैसा खा रहा है कुर, कहाँ खा रहा मीटू कहाँ खा रहा बताओ, कैसा पकड़ा पैर से मीटू, अच्छा लग रहा है? तो देखिए खिचड़ी हो गई है रेडी, वाइट खिचड़ी मसूर की दाल में। तो देखिए हो गया तो दोपहर का टाइम, और बस अभी मैं भी जा रही हूँ खाना खाने के लिए। तो देखिए वाइट खिचड़ी चटनी और कुरवडी, वाकई में खाने में भी अच्छा लगेगा और पेट में थोड़ा
डाइट के हिसाब से भी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा ऑयली वो कुछ है नहीं, सादा और सिंपल। तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी तो ज़रूर बताना मुझे कमेंट में। अस्सलामुअलैकुम, तो देखिए हो गई है शाम, दोपहर में बस थोड़ा आराम करके खाना वगैरह खा के थोड़ा आराम करें, उसके बाद में अभी शाम में बनाने के लिए कुछ भाजी और कुछ खाई नहीं घर में, तो क्यों ना मैं बोली चलो मार्केट जाते हैं, तो चलो बस मैं यहाँ पर ही मार्केट जा रही हूँ। और आज हम लोग के वहाँ पर नीचे है शादी, तो काफ़ी भीड़ है, तो भी मैं बोली वैसे जाके एक साइड से लेके आ जाओ, और ढोल की वो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही। तो देखिए हम लोग यहाँ पर कैसा मंडप बना है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। लेके आ गई, और टमाटर वाकई में बहुत ही ज्यादा महंगे हैं, तो अभी मैं आधा किलो ले ली हूँ, अभी मेरे को पकाना है शाम का खाना। तो चलो ये ढोल की आवाज से बहुत ज्यादा कान में हो रहा, तो फिर आज मैं देखिए खाली चिकन का सालन बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं उस दिन जो बनाई थी वही। तो खाना पकाते पकाते बस मैं देख रही थी मेरे ग्रिल में से, देखिए यहाँ पर हो गई है दूल्हे के एंट्री, और बस दूल्हे को लेके जा रहे हैं मंडप में। तो बस मेरे घर के सामने ही हॉल है, और यहाँ पर बहुत शादियाँ होती है, तो यहाँ पर ये पूरा हॉल बना है। देखिए माय यूट्यूब फैमिली, तो दोपहर का दिन तो निकल गया, और यहाँ पर हो गई है शाम। तो आज मैं शाम सुबह में, तो देखिए दोपहर में मैं बनाई थी खिचड़ी और चटनी स्पेशल। तो देखिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ फिर चिकन का सालन, सब मसाले मैंने एक ही साथ डाल दी इसके अंदर। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो ये है चिकन मसाला, चिकन मसाले का चिकन मसाला सालन। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट में बोलना, तो मैं इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज मुझे हो गया लेट, क्योंकि यहाँ पर शादी थी हमारे वहाँ पर नीचे मतलब बाजू की बिल्डिंग में, तो वहाँ पर इतनी रश थी, तो मैं मार्केट जाने के लिए 5 बजे से सोच चुकी थी मैं कब जाऊँ, तो भी फिर भी मैं टाइम निकाल कर चले गई, क्योंकि कुछ भी सामान नहीं था घर में, जैसा कांदा बटाटा ये हर एक चीज़ तो चाहिए पकाने के लिए, तो मैंने सब कुछ लेके आ गई। और बस मैं अभी फटाफट खाना बना रही हूँ। तो देखिए आज का मेरा दिन भर का रूटीन जो भी था तो यहीं तक है, और कल फिर एक नई वीडियो के लिए मिलेंगे, नई वीडियो के साथ मिलेंगे, ताकि मैं कुछ और एक नई रेसिपी लाऊं और आप लोगों के साथ मेरे YouTube फैमिली के साथ शेयर करूँ मैं। तो देखिए मेरे चैनल को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं और आगे बढ़ूँ और एक से एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो यहाँ पर देखिए बस यहाँ तक ही मेरा ब्लॉग था, और तो मैं देखिए आगे मेरे बड़े भाई और उन्होंने लाया आज खरबूजा, क्योंकि बच्चे लोग को ये सब बहुत चीज़ पसंद है। तो बस आज गर्मी भी बहुत है इसके वास्ते, और इनको आदत है मेरे बड़े भाई को कुछ ना कुछ लाने की, तो कड़िंगर तो हम लोग फिलहाल 2 दिन से खा रहे थे, तो आज खरबूजा खाने के बाद। तो चलो फिर मैं यहाँ पर ही आज का व्लॉग एंड करती हूँ, ताकि कल मैं फिर आप लोगों के साथ मिलूँ एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के अल्लाह हाफिज़।